रात हो या दिन इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है बहुत लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है माशाल्लाह, नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, तो दूध वाला जब आता है तो दूध लेके फिर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो फिर उसके बाद किचन का काम शुरू कर दिए। आटा वगैरह गूंदा है, किचन साफ़ किया है, सारा बर्तन धोए हैं, बर्तन धो के सेट किए हैं टोकरियों में, दूध भी उबाल करके रख दिए है माशाल्लाह। बहुत सारे काम बढ़ गए हैं, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। दोनों बहुओं को बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने, ये माशाल्लाह जहन भी उठ के आ गया है। ये साइकिल के ऊपर बैठा है, अब छोटे बेटे ने जाना है काम पर, उसके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, साथ ही अपनी चाय भी रखी है। तो मैं तो सुबह का नाश्ता हल्का सा नाश्ता करती हूँ, चाय रस का, और बेटे के लिए पराठा बना रही। जैन की शरारतें शुरू हो गई है, फ्रिज से स्प्राइट की बोतल निकाल के ले आए, वो पीने लगे। कप तोड़ दिए? किसने तोड़ा है कप? ये किसने तोड़ा है कप, दिखा मुझे। टूट गया अंदर से? कपड़े धोने के लिए कापी रखी है, वो आ गई है सुबह सुबह ही लेके। उससे कपड़े धुलवाते भी और इस्त्री भी करवाते हैं। दोनों को बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता दी है, इसलिए उनसे काम नहीं करवाते। नहीं, मामा के कपड़े हैं, कपड़े भी सिलाई करते होते, घर को भी मैनेज करना होता, वीडियो अपलोड करनी होती है। उसने कुछ कपड़े जो है मशीन में डाल दिए, घर में माशाल्लाह 3 दिन मशीनें हैं, फिर भी हमें लगवाने की ज़रूरत पड़ गई है। वो कुछ कपड़े हाथ से धो रही है, कुछ मशीन में डाले, कुछ टच में डाले, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। इधर सब बच्चे उठ गए, इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सभी माशाल्लाह उठ गए। जैन की शरारतें, जैन मंजी के ऊपर जो है ना छलांगे लगा रहे हैं। माशाल्लाह सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं। हल्का फुल्का सा झाड़ू लगाते हैं, कपड़े लगाते हैं, घर तो वैसे माशाल्लाह साफ़ सुथरा रखते हैं, बार बार कपड़े वगैरह लगाते रहते हैं ताकि बच्चे भी खेलते हैं माशाल्लाह। बेटी मेरी भी मेरे साथ काम करवाती है और दूसरी बहू भी माशाल्लाह करवाती है। दोनों बहुओं को माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बहू हैं, दोनों को बेड रेस्ट बता दिए हैं। उनके लिए चावल उबाल किए, रात की दाल पड़ी थी, मैंने कहा चले चावल उबाल कर देती हूँ। सबके लिए चावल उबाल किए, अब वो सब खाएंगे। नाश्ता करने के बाद दोपहर के खाने में चावल उबाल करके लिए, दाल पड़ी थी, मैंने कहा चले दाल जो है ना इसका फायदा उठाएं, चावल उबाल कर लेते हैं। ये है जी शाम की चाय, सब बैठे चाय पी रहे हैं। शाम को चाय ना पिए तो सर में, मेरे तो सर में खूब दर्द होने लग जाती है। सब बैठे चाय पी रहे हैं माशाल्लाह, सभी शौकीन है चाय के और साथ में हर चीज़ भी खाते हैं। अब हो गई है शाम, शाम के खाने का इंतज़ाम, किचन का मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, खाना बनाना माशाल्लाह खुद ही बनाती हूँ, कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ। इब्राहिम आइसक्रीम खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही शरारती बच्चे, दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम लेके बैठे हैं। रात को खाते नहीं सी तो इब्राहिम की आइसक्रीम ख़त्म हो गई, जैन के पास आके बैठ गए, उसकी आइसक्रीम खाने लगे। अब आ गए माशाल्लाह सबकी बारी। सब कह रहे थे मम्मा कुछ खाने के लिए ठंडी आइसक्रीम मंगवा दे, मैंने सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई। फिर है ना जो
आइसक्रीम खाई है माशाल्लाह। माशाल्लाह फैमिली के हिसाब से मैंने खुद ही पीस कर दिए हैं आइसक्रीम के, टकरे कर दिए। इब्राहिम अभी आइसक्रीम पहले वाली आइसक्रीम खा के अब फिर और मांग। ये क्या है? मम्मा मम्मा आइसक्रीम। बहू बेटी की हो गई है अचानक से तबीयत खराब, दिन हो या रात हो हॉस्पिटल तो जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको इमरजेंसी लेके गए हैं हम हॉस्पिटल, काफ़ी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेड रेस्ट बता दिया दोनों को। बस अल्लाह खैर करे, सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके लिए खैरियत का वक़्त लाए, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। चेकअप करवाना चाहिए, जिनको तो बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। ये अली फातिमा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इतने अच्छे तरीके से चेकअप किया जाता है।